हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि HDFC के क्रेडिट कार्ड के लिए मैं अभी अप्लाई नहीं करूंगा, इसके प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए मैं वेट करूंगा, उसके बाद ही इसको अप्लाई करूंगा। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए मैं, यानी कि HDFC के कार्ड के लिए मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूं, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर अभी बताऊंगा तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो आप जो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ टाइम फ्री कार्ड प्लस 1500 अमेजॉन वाउचर, यानी कि हम इस जो क्रेडिट कार्ड है इसको डिजिटली अप्लाई करते हैं। हमें यहाँ पर ब्रांच से कोई भी हेल्प नहीं लेना है, तो हमें जो है इसको डिजिटली पूरी तरह से ऑनलाइन हम अप्लाई कर देते हैं। हमारे लिए जो है एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिल जाता है, तो यहाँ पे इस ऑफर के लिए हम एलिजिबल हो पाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ गेट नाउ में। ये मैंने क्लिक कर दिया। गेट नाउ में क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ आप जो है मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ आपको कैप्चा फिल कर दें, टर्म्स एंड कंडीशन को आपको यहाँ अग्री कर देना है। लेकिन अगर आप HDFC के कस्टमर हैं तो नीचे आपको जो है HDFC बैंक कस्टमर, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ अप्लाई कर देना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन होकर आप यहाँ आसानी से अप्लाई कर पाते हैं। नीचे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखा हुआ है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड प्लस जो ₹1500 का जो अमेजोन का वाउचर जो मिलेगा, उसके बारे में टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है। तो देखते हैं, इसको मैं कंप्लीटली डिजिटली इसको अप्लाई कर देता हूँ। देखते हैं मुझे क्या कार्ड अप्रूव होने के बाद वाकई में हमें जो है ये कैशबैक, अमेजोन का 1500 का कैशबैक देखने को मिलता है या नहीं। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। मैं कस्टमर आईडी डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डालूंगा, रजिस्टर्ड जो बैंक पे है वही नंबर यहाँ पे डाल देना और यहाँ कैप्चा फिल करूँगा और मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ वही 1500 का जो अमेजन का वाउचर है। तो चलिए मैं सारी डिटेल डालता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन होते ही आपको जो है इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका नाम यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेरा नाम। तो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं सैलरीड हूँ तो सैलरीड मैं सेलेक्ट करूँगा। एम्प्लॉयर नेम यहां से टाइप कर देना है, उसके बाद शो एलिजिबल कार्ड्स में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, शो एलिजिबल कार्ड्स में क्लिक करते ही हाय अमित कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ड ऑन योर डिटेल्स यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस कार्ड। देखते हैं मुझे कौन कौन सा यहां क्रेडिट कार्ड के लिए मैं एलिजिबल हूं मेरे जो है प्रोफाइल के हिसाब से। तो यहां जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला जो है आपका इंटर माइल्स क्रेडिट कार्ड, जो वीज़ा का क्रेडिट कार्ड है, और यहां इसको इस तरह से आप करेंगे तो यहां मैं इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड जो कि रुपये की तरफ से, उसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। नेक्स्ट करेंगे आपका जो है यहाँ मनी बैक क्रेडिट कार्ड के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। फिर से नेक्स्ट करेंगे यहाँ, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यहाँ लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल मैं जो है इस चार क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ। तो हमें जो है जो भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, हमें जो है सिंपली यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं मनी बैक के लिए अप्लाई करना चाहूँगा तो इस तरह से हमें जो है सेलेक्ट करके अप्लाई नाउ में हमें क्लिक कर देना है। तो मैं मनी बैक के लिए अप्लाई यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ मैं मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूँगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको जैसे कि देख पा रहे हैं मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो नो मोर में आप चाहे तो इसको क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स ओपन होकर आ जाता है, जो कि यहाँ जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे एनुअल फी ₹1000 का, 5% कैशबैक ऑन पेज ऐप स्मार्ट बाय, मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट ₹2000। तो चलिए मैं मिलेनिया को यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ सेलेक्ट होते ही यहाँ ध्यान रहे आपको सेलेक्ट यहाँ होना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं अप्लाई नाउ में यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि मैं HDFC का सेविंग्स अकाउंट है, मैं ऑलरेडी कस्टमर हूँ HDFC का, तो यहाँ ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर सारे डिटेल्स, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल को यहाँ पे आपको होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको जो है कार्ड सेटअप हो जाएगा, यानी कि तीन स्टेप में आपका जो है क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। कंटिन्यू करने से पहले आपको ये जो मोबाइल नंबर है इसको यहाँ से वैलिडेट करना होगा, यानी कि यहाँ वैलिडेट में क्लिक करेंगे तो OTP सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए वैलिडेट में मैं क्लिक कर देता हूँ। OTP भी रिसीव हो चुका है, चलिए मैं OTP यहाँ डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ वैलिडेटेड आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ से मैं कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपका जो है सेविंग्स अकाउंट्स में जो भी एड्रेस है वहाँ आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ चेंज का ऑप्शन है। तो यहाँ आपको जो है चेंज योर कार्ड डिलीवरी एड्रेस का यहाँ देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका ऑफिस एड्रेस में डिलीवर करना चाहते हैं या करंट रेसिडेंस एड्रेस, दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो चेंज का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जो एड्रेस है मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो मैं इस एड्रेस को यहाँ चेंज करूँगा, यानी कि कार्ड डिलीवरी एड्रेस को यहाँ चेंज का ऑप्शन में चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह का एड्रेस लाइन फिल करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये मैं डिटेल्स जो एड्रेस है मैं यहाँ फिलहाल जो है ऑफिस एड्रेस फिल करूँगा और कंटिन्यू में क्लिक कर दूँगा। ऑफिस एड्रेस या रेसिडेंशियल एड्रेस जहाँ की कार्ड डिलीवर कर दिया जाना है, वो एड्रेस फिल करने के बाद कंटिन्यू करने पर आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में चले जाता है, यानी कि कार्ड सेटअप। यानी कि यहाँ से आप जो है कार्ड को, अगर यहाँ जैसे देख पा रहे हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको बनाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से यहाँ ऑटो पे, स्मार्ट पे,
ऐसा आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जब भी आपका जो है ड्यू रहेगा, जो भी बिल है ऑटो पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके कार्ड से डेबिट कर दिया जाता है। और इस तरह से आप ऑटो पे सेलेक्ट करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री यहाँ बन जाता है। तो हमें जो है यहाँ कुछ नहीं करना है। तो मैं इसको जो है 90 डेज में कुछ अमाउंट होता है उतना अमाउंट आप स्पेंड करेंगे इस कार्ड से, तो ये जो कार्ड भी जो है एनुअल चार्जेस यहाँ आपको देना नहीं पड़ता है। तो उसी का मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो यहाँ मैं ऑटो पे सेलेक्ट नहीं करूँगा, यानी कि स्मार्ट पे यहाँ इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें जो है लास्टली हेल्प और रिप्रेजेंटेटिव टू अर्न ब्राउनी पॉइंट्स फॉर इस टाइम, ऐसे करके देखने को मिलता है। यानी कि हमें जो है कोई भी असिस्टेंट हमें नहीं मिला है ब्रांच की तरफ से, हम यहाँ खुद ही ऑनलाइन यहाँ अप्लाई इसको कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। चैनल में क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है यहाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमें जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम सीधे सीधे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे प्लस के आइकन में जैसे हम क्लिक करेंगे आपको जो है इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ जो है आप यहाँ फाइल्स ओपन हो जाता है, यानी कि फाइल्स में क्लिक करेंगे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपने फोटो लिया है या PDF है, जिस भी फॉर्म में आपका जो है पे स्लिप है, यहाँ से आप उसको अपलोड कर देना है। तो चलिए यहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे इनकम डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। चलिए मैं कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिलता है। टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, आई अग्री यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। चाहे तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरे क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए हमें यहाँ जो है इसको टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना है। अग्री करने के बाद यहाँ हम जो है सबमिट में क्लिक कर देना है। लंबा चौड़ा यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसको। मैं इसको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर दिया हूँ, अग्री कर दिया हूँ। तो यहाँ फाइनली यहाँ इसको सबमिट कर देता हूँ। ये मैंने सबमिट कर दिया, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कंग्रेचुलेशन अमित टोपो, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अप्लाइंग फॉर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। वी हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। इस रेफरेंस नंबर से हम हमारे एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो यहाँ मुझे इनकम प्रूफ के लिए यहाँ पूछा गया। सिर्फ इनकम प्रूफ मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। यहाँ पे कोई भी जो है अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि ID प्रूफ वगैरह होता है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे मुझे अपलोड करने के लिए नहीं पूछा गया। तो इस तरह से हम 3 easy steps में हम जो है HDFC के क्रेडिट कार्ड को हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ईजी अप्लाई हो जाता है अगर आपके पास कोई भी सेविंग्स अकाउंट है HDFC बैंक में, तो आसानी से इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होकर भी चाहते इसको अप्लाई।